कि ऐसा है कि CAA अलग है और NRC अलग है, NRC अलग है और NPR अलग है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो NPR का धान है, इसी को कूट करके चावल भी बनाया जाएगा और इसी को कूट करके चूड़ा भी बनाया जाएगा। ये जो NPR है, इस NPR को हमको रोकना पड़ेगा। बोलिए, कैसे रोकेंगे NPR को? अभी आपने कहा ना कि आप गांधी को मानते हैं, तो गांधी ने अंग्रेजों से कैसे लड़ाई लड़ी थी और सहयोग करके लड़ाई लड़ी थी। आपको मन में ये संकल्प लेना पड़ेगा और सरकार को ये चुनौती देनी पड़ेगी कि ये सरकार, अगर तुम हमको नागरिक नहीं मानते, तुम हमारे नागरिकता का इम्तिहान लेते हो, तो हम तुमको सरकार नहीं मानते। आपको अपने घरों के बाहर ये लिखना पड़ेगा कि ओ NPR कल आना और साथ में 15 लाख लेके आना, वरना मत आना। आपको जैसे गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था सभी ने अवज्ञा करके, उसी तरीके से आपको भी सभी ने अवज्ञा करके NPR का विरोध करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? और उसी विरोध की आवाज को मुखरता देने के लिए, उसी विरोध की आवाज को मजबूती देने के लिए हम लोग 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। बोलिए, आप आइएगा कि नहीं आइएगा? जितना लोग हाथ उठा रहे हैं सब आएंगे ना? पक्का? मोदी की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? हाँ, मोदी झूठ बोलते हैं, जनता झूठ नहीं बोलती है। इसीलिए ये सच और झूठ की लड़ाई है, ये न्याय और अन्याय की लड़ाई है। मैं आपसे हाथ जोड़कर ये अपील करने के लिए आया हूँ, आप 29 तारीख को पटना के गांधी मैदान में आइए। हम बिहारी लोग, ये जो दो गुजराती हैं, इनको बताएंगे कि बिहार की ताकत क्या होती है। इनको बताएंगे कि बिहार का इतिहास क्या है। इनको बताएंगे कि जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन का विद्रोह हुआ था, तो पीर अली और कुंवर सिंह ने उस आंदोलन को लीड किया था। इनको हम बताएंगे कि ये बिहार की धरती है, ये मुजफ्फरपुर की धरती है, यही खुद राम बोस पैदा हुए थे, ये बात हम इनको बताएंगे। इनको हम बताएंगे कि ये धरती क्रांतिकारियों और वीरों की धरती है। देश को जब जब जरूरत हुआ है, बिहार के लोग उठ खड़े हुए हैं। आज फिर से इस तिरंगे को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमको एकजुट होने की जरूरत है। बोलिए, होंगे कि नहीं होंगे? तो अमित शाह कहता है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मोटा भाई बोलता है कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं, सुन लो तरीफा, पूरी जमीन छोड़ करके जाओगे, ये हम तुमसे वादा करते हैं। तुमको भरेंगे, ये हमारा संकल्प है। अगर आप लोगों का साथ रहा, तो निश्चित तौर पे इस सरकार को हराएंगे, संविधान को जिताएंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी और भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।
धन्यवाद।